हेलो यंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोस्टमार्टम शाला। आई एम प्रज्वल सुकेजा, योर एजुकेटर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू फॉसिल जेनरा कैलामाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी अपराइट आर्बोरेसेंट प्लांट्स। दे वर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेम व्हिच मोस्टली अरोज फ्रॉम सबटेरेनियन राइजोम्स। द क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग स्टेम्स शोड द प्रेजेंस ऑफ ए सेंट्रल पिथ कैनाल एंड कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स विद कराइनल कैनाल्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंट जेनरा इज दिस प्लांट मोस्ट सिमिलर। सो जो हमारा कैलामाइट्स का फॉसिल जेनरा है उसके बारे में बताया गया है, उसके प्लांट्स कैसे थे, अपराइट थे, आर्बोरेसेंट प्लांट्स थे, और उनको पहचान कैसे कही गई थी कि वो ज्यादातर सबटेरेनियन राइजोम से ऊपर आए हुए थे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग स्टेम्स, मतलब अगर उसके यंग स्टेम्स का क्रॉस सेक्शन किया गया, मतलब हॉरिजॉन्टली उनको काटा गया, तो एक क्रॉस सेक्शन मिला, उसमें उनको क्या मिला? सेंट्रल पिथ कैनाल मिले और कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स मिले जिसमें कि कैराइनल कैनाल्स थे। तो कौन सा ऐसा एक्सटेंट जेनरा है जो कैलामाइट्स की तरह सिमिलर है? वी हैव ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो वी हैव ए साइलोटम, बी सेलेजिनेला, सी इक्विसिटम, डी राइनिया। सो लेट्स सी दी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। आवर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर इज टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से प्लांट इंक्लूडेड होते हैं? वी हैव हॉर्सटेल एंड फर्न्स, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, ये दोनों ही टेरिडोफाइट्स में इंक्लूडेड होते हैं। एंड टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विद विद वैस्कुलर टिश्यूज, विद वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। सो इन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि वी हैव दी जेनरा, हमारे पास कौन सा है? वी हैव दी फॉसिल जेनरा, फॉसिल जेनरा कैलामाइट्स। सो उस कैलामाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दीज वेयर अपराइट आर्बोरेसेंट प्लांट्स, अपराइट आर्बोरेसेंट प्लांट्स। तो आर्बोरेसेंट प्लांट्स कैसे होते हैं? वो होते हैं जिनको प्लांट्स डिस्क्राइब्ड एज ट्रीज, डिस्क्राइब्ड एज ट्रीज। तो इनकी क्या होती है? वुडी स्टेम होती है, वुडी स्टेम एंड सिंगल ट्रंक, सिंगल ट्रंक। दिस इज अवर अपराइट आर्बोरेसेंट प्लांट्स। इसमें क्या होते थे? देवे सबटेरेनियन राइजोम्स। तो क्या होते हैं? वी हैव सबटेरेनियन राइजोम्स। दीज सबटेरेनियन राइजोम्स कहाँ से होते हैं? दीज आर दी अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो कि रूट्स और स्टेम्स रेस्पेक्टिवली बनाती हैं, सबटेरेनियन में प्रेजेंट होती हैं। देन इसका जो क्रॉस सेक्शन था, इसका जो यंग स्टेम का क्रॉस सेक्शन था, यंग स्टेम क्रॉस सेक्शन था, उसमें क्या क्या था हमारे पास? सेंट्रल पिथ कैनाल, सेंट्रल पिथ कैनाल था, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल विद कैराइनल कैनाल, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स, बंडल्स विद कैराइनल कैनाल्स, कैराइनल कैनाल्स थे इसमें। तो ये क्या था? किसका था? कैलामाइट्स का था, कैलामाइट्स का था। सो सिंस दिस इज अ फॉसिल जेनरा, फॉसिल जेनरा, तो इसके जो सिमिलर है, सिमिलर टू इट जो एक्सटेंट जेनरा, वो क्या होना है? एक्सटेंट जेनरा कौन है? कैलामाइट्स को हम और किस नाम से जानते हैं? कैलामाइट्स को हम जाइंट हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, जाइंट हॉर्स टेल्स के नाम से भी जानते हैं कैलामाइट्स को। एक्सटेंट जेनरा का मतलब क्या हुआ? जेनरा, जेनरा Whose members are still alive, genera whose members are still alive, मतलब ऐसे genera, यहाँ पे अगर species होता तो वो भी होता, species whose members are still alive। तो यहाँ पे कैलामाइट हमारा फॉसिल जेनरा है, एंड इसका सिमिलर टू इट
एक्सटेंट जनरा हमारा कौन सा है कैलामाइट्स के सिमिलर, दिस इज अवर इक्विसिटम, इक्विसिटम। तो ये इक्विसिटम जो है उसका और दूसरा नाम क्या है, इट इज हॉर्स टेल, हॉर्स टेल उसका दूसरा नाम है। तो इक्विसिटम की जो यंग स्टेम होती है, यंग स्टेम का क्रॉस सेक्शन जो होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव कैराइनल कैनाल्स, कैराइनल कैनाल्स, वेलिक्युलर कैनाल्स, वेलिक्युलर कैनाल्स होते हैं, और सेंट्रल सेंट्रल पिथ कैनाल होता है। तो हम एक एक डायग्राम देख लेते हैं। सो दिस इज द टी एस ऑफ यंग स्टेम ऑफ, यंग स्टेम ऑफ इक्विसिटम, इक्विसिटम। तो इक्विसिटम में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव हियर एपिडर्मिस, यहाँ पे हमारे स्टोमेटा होते हैं बिकॉज लीव्स उतनी डेवलप नहीं होती। देन वी हैव स्क्लेरेंकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, वी हैव पैलिसेट टिश्यू, दिस बोथ कंस्टिट्यूट द आउटर कॉर्टेक्स। देन हमारे इनर कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन रेड आई एम शोइंग, दीज आर दी वेलिक्युलर कैनाल्स, यू कैन सी दिस इज द लेबल, ये हमारा क्या है, दिस इज वेलिक्युलर कैनाल, दीज आर दी एयर फिल्ड कैविटीज, इसमें क्या भरा होता है, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, दिस इज अवर वेलिक्युलर कैनाल। और उसके बाद हमारे इनर कॉर्टेक्स के बाद वी हैव द एंडोडर्मिस, देन विद इन दैट पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, एंड वैस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या होता है, वी हैव कैराइनल कैनाल्स। तो हमारा कैराइनल कैनाल्स का फंक्शन क्या होता है, कैराइनल कैनाल्स का फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन, वाटर कंडक्शन चैनल्स होते हैं, ये वाटर कंडक्शन चैनल्स होते हैं। और जो हमारा वैस्कुलर बंडल होता है, इफ दिस इज द वैस्कुलर बंडल, तो इसमें क्या होता है, बाहर क्या प्रेजेंट होता है, वी हैव द फ्लोएम कंडीशन, अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वी हैव द जाइलम कंडीशन, और जाइलम के अंदर हमारा क्या होता है, हियर वी हैव द, दिस इज द कैराइनल कैनाल, दिस इज द कैराइनल कैनाल। तो हमारे ये वैस्कुलर बंडल की कंडीशन क्या हुई, वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, कंजॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियाई पे हैं, एंड दिस इज कोलेटरल, कोलेटरल विद फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, आउटर साइड, और जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड। सो दिस इज द कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। तो ये हमारा जो इक्विसिटम है वो कैलामाइट से सिमिलर है। और ये इक्विसिटम हमारा कैसा है, दिस इज अवर लिविंग जेनरा, दिस इज अ लिविंग जेनरा, और वी कुड से एक्सटेंट जेनरा, एक्सटेंट जेनरा। और बाकी हमारे क्या होते हैं, जो साइलोटम होता है, सो द वन वी हैव साइलोटम, साइलोटम दिस इज अ प्रिमिटिव लैंड प्लांट, दिस इज अ प्रिमिटिव लैंड प्लांट, बट ये मैच नहीं करता सेलेजिनेला, सेलेजिनेला उसमें कैराइनल कैनाल्स नहीं होते। इंस्टेड वी हैव कैरेक्टरिस्टिक, क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, स्टेम इसमें क्या होता है, रेडियली इलॉन्गेटेड, रेडियली इलॉन्गेटेड, एंडोडर्मल, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैबिक्यूले, ट्रैबिक्यूले कहते हैं। सो ये भी हमारा कैराइनल कैनाल से मैच नहीं करता, दिस ट्रैबिक्यूलर एयर फील्ड, एयर फील्ड कैविटीज। देन हमारा लास्ट क्या था, लास्ट वी एट दी राइनिया, तो राइनिया भी एक टेरिडोफाइट है, बट दिस इज अ फॉसिल जेनरा, अगेन दिस इज अ फॉसिल जेनरा, एक्सटेंट जेनरा नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता हमारा। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो मैं बताना था कि ऐसा कौन सा एक्सटेंट जेनरा है जो कि सिमिलर है फॉसिल जेनरा कैलामाइट्स के जैसा, जिसमें कि सेंट्रल पिथ कैनाल हो, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल हो, कैराइनल कैनाल्स हो। तो ऑप्शन ए साइलोटम, नहीं दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सेलेजिनेला नहीं, उसमें ट्रैबिक्यूले होता है, एयरफिल्ड कैविटीज, ये भी ऑप्शन गलत है। देन सी ऑप्शन इक्विसिटम, यस हमारा ऑप्शन
इक्विसिटम इज टोटली राइट, बिकॉज इसमें कैराइनल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल पिथ कैनाल भी होता है, वेलिकुलर कैनाल्स भी होते हैं, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स भी होता है. सो दिस इज राइट. ऑप्शन डी राइनिया, नहीं ये तो फॉसिल जेनरा है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो अवर करेक्ट आंसर इज, सो अवर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट. Thank you for watching. If you love the knowledge being shared here, then comment your views below, like this video, share it among your friends, and subscribe to PMS Postmortem Shala. Happy learning!